शादी में अगर 5 लाख से ज्यादा खर्च किए तो खैर नहीं। लोकसभा के अगले सत्र में इस प्रावधान वाले प्राइवेट बिल पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की निजी विधेयक लाने की तैयारी है। प्रस्ताव पास होने पर 5 लाख के बजट में अब आपको शादी निपटानी होगी। अगर 5 लाख से ज्यादा खर्च हुए तो जुर्माना देना होगा। शादियों में शानो शौकत पर पाबंदी की तैयारी। बैंड बाजे के शोर पर लगेगी लगाम। आपकी शादी पर सांसद की नजर। आने वाले दिनों में अगर आपके घर में शादी की तैयारी चल रही है तो आप मेहमानों की लिस्ट को थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मेहमानों की ज्यादा संख्या देखकर पुलिस आपके घर पहुंच जाए और आपको जुर्माना भरना पड़े। जी नहीं, ये शादी पर कोई नया चुटकुला नहीं, बल्कि शादी पर खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की नई तैयारी है। सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में मेहमानों के खर्च पर लगाम लगाने के लिए संसद में नए कानून का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस सांसद की तरफ से विवाह विधेयक 2016 के तहत प्रस्ताव को निजी विधेयक के तौर पर सदन में लाया गया है। प्रस्ताव पर संसद के अगले सत्र में फैसला लिया जा सकता है। विवाह विधेयक 2016 के तहत अगर कोई शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर 10% का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की 10% रकम गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए देनी होगी। जुर्माना भरने वाले परिवार को पूरी सूचना के साथ 10% रकम सरकारी फंड में जमा करानी होगी। सभी शादियों का 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। शादियों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सांसद रंजीत रंजन ने निजी विधेयक पारित करवाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन महंगाई के जमाने में महज 5 लाख रुपए में शादी करवाने का सक्सेसफुल फॉर्मूला फिलहाल किसके पास है ये तो सरकार को ही बताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये बिल पास किया जा रहा है, लेकिन कुछ सवाल जो कि पब्लिक के जहन में उठ रहे हैं, जैसे कि ये है कि कोई शादी में कितना खर्च करे, क्या ये सरकार तय करेगी? शादी में कितने मेहमान बुलाए जाएं, क्या ये भी सरकार बताएगी? अपनी खुद की कमाई पर आखिर जनता का हक नहीं तो फिर किसका है? पब्लिक टैक्स भी भरे और उसके बाद ये लगाम भी सहे। इस महंगाई में 5 लाख रुपए में शादी करवाने का फॉर्मूला क्या है सरकार के पास? तो ये तमाम सवाल हैं और हमारे साथ रंजीत रंजन इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। रंजीत रंजन जो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत बहुत स्वागत है रंजीत रंजन आपका, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी चीज लेकर आप सबके सामने हैं, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये है कि पैसा मेरा, शादी मेरे घर की, और इस पर कैप सरकार क्यों तय करेगी? सरकार क्यों ये डिसाइड करेगी कि कितना पैसा खर्च किया जाए? और उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आपसे बातचीत में इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। रंजीत रंजन, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रस्ताव आप सामने लेकर आईं तो आपके मन में कौन कौन सी वो चीज़ें थी कि ऐसा प्रस्ताव एक आना चाहिए, ऐसी एक लगाम लगनी चाहिए और इसके पीछे का मकसद ये होगा? आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है, बीच बीच में बंद हो जा रही है। रंजीत रंजन, एक बार फिर से हम आपका ऑडियो चेक करते हैं, हम लौटेंगे आपके पास। तो ये फिलहाल कुछ सवाल ये हैं और साथ ही इस विधेयक के साथ आए हैं, विवाह विधेयक 2016, जिसमें कई प्रस्ताव सामने रखे गए हैं, यानी कि कई सारी चीजें हो जाएंगी विवाह विधेयक 2016 के तहत। वो हम आपको उसकी डिटेल्स भी दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा एक टाइम लिमिट के अंदर। ये भी है कि कोई शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर 10% का जुर्माना भी लगेगा। रंजीत रंजन का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रंजीत रंजन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है, पर कट कट के आ रही है। ठीक, रंजीत रंजन, मेरा सवाल ये है कि इस प्रस्ताव को लाने की जब आपने तैयारी की उस वक्त आपके जहन में कौन कौन सी चीजें थी, इस प्रस्ताव के पीछे का मकसद क्या होना चाहिए, और साथ ही इस प्रस्ताव में ये तमाम चीजें शामिल करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में भी रखा गया ताकि लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, 5 लाख में शादी में निपट जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी पूर्णिमा, ये 5 लाख नहीं है,
5 लाख लड़की वाले, 5 लाख लड़के वाले, और अगर उसके ऊपर आप खर्चना चाहते हो तो आप 10% उन गरीब लड़कियों का एक कोष बने जो 25,000 तक में भी शादी नहीं कर पाते हैं, आप उनके लिए 10% दो। दूसरा, दो बातें मैंने मेन मेंशन की है, एक जो खाने की वेस्टेज होती है, दूसरा अननेसेसरी साज सज्जा पे, और तीसरा जो लड़के वाले जोर जबरदस्ती से कहते हैं कि भैया हमारे 1,000 बराती आएंगे, 500 बराती आएंगे, ठीक है आप तिलक नहीं दे रहे हो लेकिन हमारे बराती को बढ़िया से खिला देना, उस बढ़िया से खिलाने में आप पंजाब, लुधियाना, जम्मू कश्मीर इधर जाएं तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख सिर्फ खाने में खर्च होता है, और खाने वालों को भी ये पता नहीं होता, सिर्फ कॉम्पिटिशन होती है कि भाई हमने तो 15 मीठे के आइटम रखे थे, हमने तो 15 तरह के स्टेट के फूड रखे थे। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट का बिल नहीं है, मेरी प्राइवेट सोच है, हम खुद 6 बहनें हैं, और एक रिचेस्ट पीपल होते हैं, बिल्कुल आपने कहा कि जिसका अपना पैसा है वो खर्चेगा, अब एक कैपिटलिस्ट या एक पॉलिटिशियन ही कह लो 500 करोड़ खर्च रहा है, 600 करोड़ खर्च रहा है, 10,000 का सिर्फ कार्ड दे रहा है, एक मिडिल क्लास लड़का जो हमारी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, अब बोल रही है मेरा सपना है कि तू मेरे साथ शादी कर, तो रॉयल शादी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अच्छा कमा के, वाइफ हस्बैंड और बच्चे तो ठीक से रह सकते हैं, लेकिन बेचारा शादी का ही ऐसा बजट में चरमराता है कि पूरी लाइफ में उबर नहीं पाता है। बहुत सारे पेरेंट्स लोन लेकर, ऋण लेकर, जमीन बेचकर, घर गिरवी रखकर लो क्लास के लिए दिखाने के लिए कि भाई हम मिडिल क्लास है, इतना तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपना सारा, जब 40 के बाद आप ढंग से जीने का वक्त आता है तो आपका सारा पैसा हमारे इंडियन कल्चर में शादियों में लग जाता है। तो इसमें बहुत, जब डिबेट खुलेगा तो बहुत सारी बातों को चेंज भी किया जाएगा। मकसद ये है कि जो हमारी शादियों में फिजूल खर्ची है, एक देखा देखी, दूसरा लो क्लास, तो इसपे चेंजेस आना बहुत जरूरी है। लेकिन रंजीत, एग्जांपल देती हूं, सोच आप मेरा बेटा कहता है, सोच वाकई काबिले तारीफ है, बहुत नेक सोच भी है, लेकिन क्या इसका कोई ब्रेकअप है? क्योंकि जब कोई टैक्स भी पे करता है तो उसके लिए भी एक स्लैब होता है, आदमी कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है एक शादी में, इस पर क्या कोई स्लैब, क्या कोई एक ब्रेकअप इसमें शामिल प्रस्ताव में किया गया है? आवाज कट गई, फिर से बोलो, फिर से बोलिए आपकी आवाज। रंजीत रंजन, क्या कोई ब्रेकअप तैयार किया गया है इसके लिए? देखिए, इसमें 3-4 क्लॉज दिए हैं कि 10 लाख से अगर ऊपर कर रहे हैं तो आप 10% गरीबों के लिए दे, और आप जो बोल रहे हैं 10 लाख में नहीं होगी तो 1,000 जो बराती है उसको एटलीस्ट 200-300, ये एक कानून अगर बनेगा तो फिर तय होगा। जो फूड के आइटम्स हैं, आप 15-15 मीठे के आइटम दे रहे हो या खाना 12-13 तरह का रख रहे हो, अगर फूड आइटम को फिक्स किया जाए, आप भी एक लड़की हैं, अभी आप बोल रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पेरेंट्स भी अंदर ही अंदर, अब क्या होता है कि वर्किंग है तो चलो, ये नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, वर्किंग है तो अपना शादी का खर्च निकाल लेगी। हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप वेस्टर्न में देखेंगे तो लड़की कमा रही है, लड़का कमा रहा है, और वो अपना ही मिला के शादी कर लेते हैं, पेरेंट्स को बर्डन नहीं है। हमारे इंडिया में स्पेशली एक बजट रखना पड़ता है, आपने नोटबंदी की, आपने बोल दिया 2.5 लाख में शादी करो, हम सब त्राहिमाम हुए, क्योंकि हम छिपा के डोरी देते हैं, तिलक देते हैं। तो मेरा मकसद यह है, कहीं ना कहीं कानून का ऐसा डर पैदा हो कि ये जो यंगस्टर है वो इसकी एक छाया ले सके। जिक्र किया 2.5 लाख डीमोनेटाइजेशन के बाद एक कैप रख दी गई, अब इस विधेयक में 5 लाख की कैप रख दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत रंजन आपका।